हेलो दोस्तों, अगर आप एक सेलर हो और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो और पेमेंट मेथड एज अ पेपाल आप यूज कर रहे हो, तो जब भी आप कोई ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो तो पेपाल को जो भी वैलिड ट्रैकिंग आईडी है, यानी आप जिस भी कुरियर पार्टनर से आपने अपने ऑर्डर को डिस्पैच किया है वो एक आपको ट्रैकिंग आईडी देता है, तो पेपाल को वो प्रॉपर ट्रैकिंग आईडी दीजिए, ताकि जो भी कस्टमर जो कि आउट ऑफ इंडिया बैठा है या फिर कोई भी कंट्री में बैठा है, वो कोई किसी भी कंट्री का हो सकता है, जो कि वहां पे बैठा है, अगर वो जो ट्रैकिंग आईडी है वो उसको देखता है, उसको चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे पास पहुंच रहा है। बट अगर आप गलत ट्रैकिंग आईडी दे रहे हो तो वो कस्टमर को डाउट हो जाएगा और उस केस में वो फिर पेपाल के साथ एक केस रेज करेगा। अब उस केस में होगा क्या कि पेपाल आपसे वापिस बोलेगा कि ऐसा कस्टमर ने हमारे साथ एक क्लेम रेज किया है जिसमें कि ये बता रहा है कि आपने एक गलत ट्रैकिंग आईडी दिया है, तो पेपाल आपको मेल भेजेगा। अगर आप उस मेल का रिप्लाई नहीं दोगे या फिर आप अगेन पेपाल को गलत ट्रैकिंग आईडी दोगे, तो होगा क्या कि पेपाल जो भी वो कस्टमर है उसको पैसा रिफंड कर देगा। आपने तो प्रोडक्ट भेज दिया बट आपने गलत ट्रैकिंग आईडी डाला है, सो पेपाल उसको पैसा वापस दे देगा और प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला जाएगा। उस केस में अगर कस्टमर जेन्यून है तो आपको पैसा दे देगा, वापस आपके पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट भी खा जाएगा और उसको पैसा भी मिल जाएगा। उस केस में ये आपका एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। तो हमेशा जो प्रॉपर ट्रैकिंग आईडी है, वैलिड ट्रैकिंग आईडी है, वो ही पेपाल को दीजिए, ताकि आपको स्मूथली पैसा मिल सके। उस केस में आपको लॉस भी नहीं होगा। दूसरा एक केस होता है कि पेपाल कई बार आपसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मांगता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि वो वेरीफाई करता है कि आप एक जेन्यून सेलर हो, तो कई बार आपसे प्रोडक्ट के जो इनवॉइस है वो भी मंगवाता है। तो यानी आप कहीं से भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो और उसके इनवॉइस आपके पास पड़े हैं, तो वो पेपाल को दे दीजिए, ताकि जो पेपाल है वो आपको इजीली पेमेंट ट्रांसफर करता रहे। देखिए, जब भी आप नए नए सेलिंग करना चालू करोगे तो पेपाल थोड़ा टाइम लगाता है, कई बार 21 दिन लगाता है, कई बार बोलता है कि आप $300 तक का ट्रांजेक्शन करो तभी हम आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। तो अगर आपका ये वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाता है तो पेपाल फटाफट से आपको पैसा भेजना चालू कर देता है, जिससे कि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके और इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा कमा सको। तो हमेशा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका प्लीज ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। हमेशा वैलिड ट्रैकिंग आईडी डालिए जो भी पेपाल अकाउंट है उसमें, और सेकंड, जो भी अगर बिजनेस इंफॉर्मेशन पेपाल मांग रहा है तो उसको आप टाइमली देते रहिए। इससे आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ और बिजनेस में कुछ वैल्यू एड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।